हेलो व्यूअर्स, वापस एक बार हरीनास कुकिंग लैब में स्वागत है आपका। आज मैं बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट लेके आई हूँ जो मेरा पर्सनली फेवरेट है और उसी से लेके हम आज रेसिपी बनाएंगे। अगर आप अपने खाने में कोई प्रोटीन का सोर्सेस लाना चाहते हैं पर वो मिल्क प्रोडक्ट के अलावा है यानी कि वीगन, तो ये बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है हेलो टेम्पे, जो प्लांट बेस्ड है और अलग अलग फ्लेवर में आते हैं, यानी कि आपको इसमें किसी भी तरह के मसाले मिलाने की ज़रूरत नहीं रहती, यानी कि मैरिनेट किए हुए आते हैं और सिर्फ 5 मिनट में बन जाते हैं। इससे आप बहुत ही यानी कि काफ़ी तरह की सैलेड, फ्रैंकी है, कटलेट है, राइस में यूज़ कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग रेसिपीज़ बना सकते हैं और उस रेसिपीज़ की बुक भी आपको इसमें साथ में ही मिलती है जिसको आप रीड करके पूरी रेसिपी अच्छे से बना सकते हैं। हेलो टेम्पे में काफ़ी सारे फ्लेवर आते हैं पर इसमें जो सेजवान चिली फ्लेवर आता है वो मेरा फेवरेट है और इसी से हम आज बनाएंगे सेजवान चिली कॉर्न राइस। और इससे भी जुड़ी हुई आगे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको रेसिपी बनाते हुए दूंगी, तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। हेलो टेम्पे की सारी प्रोडक्ट प्लांट बेस्ड आती है यानी एकदम नेचुरल, इसलिए आपको इसको फ्रीज में ही स्टोर करना रहता है और जब आपको प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना रहता है तभी आपको फ्रिज में से इसे निकालना होगा। अगर आप जैन हैं और ये मैरिनेट वाला इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो बिना मैरिनेट यानी कि बिना मसाले वाले भी हेलो टेम्पे के प्रोडक्ट आते हैं, उसमें आप घर पे ही इंडियन, इटालियन, मैक्सिकन, चाइनीज़ कोई भी मसाले डाल के अपनी मनचाहे तरीके से मैरिनेट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से पूरा मैरिनेट किया हुआ आता है और सील पैक, जिसे बिगड़ने के तो कोई चांसेस ही नहीं है। पैकेट में से इस तरीके से निकाल के इसे एकदम हल्के हाथों से थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। इसे देख के आपको लग रहा होगा कि ये तो तोफू है, पर तोफू आता है वो काफ़ी च्यू आता है जबकि ये एकदम सॉफ्ट है और इसमें जो मैरिनेट किए हुए मसाले हैं वो एकदम अंदर तक उतरे हुए होते हैं। चलिए अब इसे बनाने का अगला स्टेप देखते हैं। आज इसे बनाने में मैं ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप नॉर्मल कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। यहाँ पे तेल के गर्म होते ही मैरिनेट किए हुए हेलो टेम्पे को इस पैन में डाल देंगे। अब इसे हिलाते हुए सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए सौते करना है। सौते किए हुए इस हेलो टेम्पे को कोई भी फ्लेवर में हो आप सैंडविच, फ्रैंकी और सैलड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सौते करके आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगता है। इसको थोड़ा सा क्रम्बल करके आप इसकी कटलेट भी बना सकते हैं। लीजिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और हमारे हेलो टेम्पे रेडी है। इसे साइड में करते हैं और दूसरा स्टेप करते हैं रेसिपी का। एक बड़ी सी कढ़ाई में ऑलिव ऑयल ही रखेंगे वापस से गरम। मैंने पहले बताया वैसे आप कोई भी कुकिंग ऑयल यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल के गर्म होते ही इसमें थोड़े से स्वीट कॉर्न डालेंगे और स्वीट कॉर्न को हिलाते हुए सौते करेंगे और पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। स्वीट कॉर्न थोड़े से पक जाए अब इसमें लंबे कट किए हुए कैप्सिकम डालेंगे और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डालेंगे। अगर आप यहाँ पे गार्लिक खाते हैं तो गार्लिक का पेस्ट भी डाल सकते हैं और अगर ओनियन खाते हैं तो सबसे पहले आपको ओनियन डालने हैं। ओनियन डाल के वो पकने के बाद आपको इसमें स्वीट कॉर्न डालने हैं और अगर ओनियन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे स्वीट कॉर्न उबले हुए डालने हैं। आपस से 3 मिनट पकाने के बाद अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और कुछ मसाले करेंगे, जिसमें सबसे पहले डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस, 1 बड़ा चम्मच विनेगर, 1 छोटा चम्मच चिली सॉस डाल देंगे, 1 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप डालेंगे। इन सबको अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है और 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाएंगे। 2 से 3 मिनट के बाद अब इसमें उबले हुए चावल डालेंगे। मेरे पास सुबह के बचे हुए चावल पड़े थे, मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ। हेलो टेम्पे का एक बेनिफिट ये भी है कि सुबह की बची हुई रोटी से आप इसको इस्तेमाल करके फ्रैंकी भी बना सकते हैं और इस तरीके से अलग अलग तरह के राइस भी बना सकते हैं। थोड़ा सा ऑरेगानो डाला है, अब इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा चिली फ्लेक डालेंगे। अब हमारी रेसिपी का हीरो इंग्रेडिएंट्स यानी कि हेलो टेम्पे, रेडी किया हुआ हेलो टेम्पे चावल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हेलो टेम्पे डालने के बाद इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए इसे गर्म कर लेंगे। साथ में हरा धनिया भी थोड़ा डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए हमारी हेलो टेम्पे सेजवान चिली कॉर्न राइस तैयार है।
और हेलो टेम्पे की एक खास बात और क्या है पता है कि ये प्रोटीन बेस्ड तो है ही, पर डाइट पर्पज से आप इस्तेमाल कर रहे हो ऐसा लगेगा ही नहीं, इतनी टेस्टी आते हैं। सच में हेलो टेम्पे के इस प्रोडक्ट को जरूर ट्राई कीजिए, बहुत यम्मी लगता है।